हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वीएलसी मीडिया प्लेयर पर जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो तो प्ले होता है लेकिन ऑडियो नहीं सुनाई पड़ता, यानी कि उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। वीएलसी मीडिया प्लेयर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अगर ऑडियो आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो उसके लिए हमको जाना है यहाँ ऊपर के रिबन में टूल टैब पे, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है प्रीफ्रेंस पे, ठीक है। कंट्रोल पी दबा करके भी आप प्रीफ्रेंस का विंडो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीफ्रेंस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हमको जाना है सेकंड वाले ऑप्शन पे, यानी कि ऑडियो पे, ठीक है। ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन ऑडियो दिख रहा है आपको, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जब आप ऑडियो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है इनेबल ऑडियो का ऑप्शन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ से चेक मार्क करिए और यहाँ पर ये देखिए आउटपुट मॉड्यूल दिख रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं सेलेक्ट है तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक जो है ऊपर वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे से सेव करना ना भूलिएगा, ठीक है। यहाँ से हमने सेव कर दिया, देखिए ये सेटिंग सेव हो गई। लेकिन अगर मैं करंट वीडियो प्ले करूंगा तो ये आवाज नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अभी आप देखिए आवाज नहीं आ रही, तो उसका कारण क्या है, इसको यहाँ से हटाइए और यही वीडियो जब हम दोबारा से प्ले करेंगे तो आवाज आएगी। मैं फिलहाल इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा वो वीडियो जो भी हमने प्ले किया था, इस पर हम राइट क्लिक कर रहे हैं, ओपन विथ पे जा रहे हैं। अब जब हम वीएलसी में प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ से आवाज आएगी, ठीक है। ये हमने वीएलसी में प्ले किया, सब्सक्राइब की, अब आवाज आना शुरू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।